नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। सत्यपाल मलिक का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खामोश रहने के लिए कहा था, और कटघरे में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी घेर लिया था, उस मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया मोदी सरकार की तरफ से आई है और वो प्रतिक्रिया दी है देश के गृह मंत्री अमित शाह। मगर इस प्रतिक्रिया को देकर अमित शाह बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ढेरों गलत बयानियां की हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह ने इंडिया टुडे के एक समारोह में कहा कि सत्यपाल मलिक उस वक्त क्यों खामोश रहे जब वो राज्यपाल थे, अब क्यों बोल रहे हैं। ये बात कह के अमित शाह बुरी तरह फंस गए दोस्तों, क्योंकि यह बयान सरासर गलत है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उस पद के लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत है। मगर आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं कि अमित शाह ने जो बात कही वो किस तरह से गलत बयानी कही जाएगी। मगर सबसे पहले दोस्तों, मेरा देश के गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल है। मैं 10 सवाल उनके सामने रख रहा हूं इससे पहले कि मैं उनके बयान की गलत बयानी आपके सामने रखूं। और वो 10 सवाल क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या सीआरपीएफ ने हवाई जहाज के जरिए जवानों को भेजने की अपील की थी? क्या बतौर गृहमंत्री आप इस मुद्दे पर रोशनी डाल सकते हैं? सीधा सवाल है दोस्तों। यही बात तो सत्यपाल मलिक ने कही, और सिर्फ सत्यपाल मलिक ने ही नहीं कही दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूनम अग्रवाल ने बाकायदा यह रिपोर्ट क्विंट के लिए की थी जो 21 फरवरी को छपी थी, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने यह कहा कि हम लगातार कहते रहे कि हमें विमान दिए जाएं, जहाज दिए जाएं, मगर हमारी इस मांग को अनसुना कर दिया गया। सवाल नंबर 2, अगर की थी अपील तो उसकी अपील को क्यों ठुकराया गया? इस मामले की जांच क्यों नहीं हुई? बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, और स्वाभाविक सी बात है कि जो अपील उन्होंने अपनी तरफ से की, और अगर इसे मोदी सरकार खारिज नहीं कर रही है तो जांच क्यों नहीं होती कि आखिर किसने उनकी अपील को ठुकराया था, कौन जिम्मेदार था? उसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल, सत्यपाल मलिक के सीधे बयान का जवाब क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? यह तो बहुत अहम मुद्दा है और इस पर प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी चाहिए। सवाल नंबर 4, 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया? जी हां, एक आतंकवादी 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर हमारे सुरक्षा जवानों की कारवां तक पहुंच जाता है, और उसी से जुड़ा हुआ है सवाल नंबर 5, क्या इस मामले की जांच हुई कि इतनी आसानी से आतंकवादी आरडीएक्स लेकर पहुंच गया, और आज तक इस मुद्दे पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, किसी पर भी इसका ठीकरा नहीं फोड़ा गया, किसी पर भी इसका दोष नहीं मढ़ा गया, आखिर क्यों? क्या यह सवाल अहम नहीं है? और फिर इसके बाद है दोस्तों सवाल नंबर 6, हमारे सीआरपीएफ के जवान सामान्य बसों में क्यों थे, बख्तर बंद गाड़ियों में क्यों नहीं थे? सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हमारे जवान बुलेट प्रूफ गाड़ियों में होते और बेशक एक आतंकवादी उन्हें टारगेट करता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। यकीनन 300 किलोग्राम आरडीएक्स के सामने बड़ी से बड़ी बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं, मगर अगर वो बख्तर बंद गाड़ियों में होते तो शायद इतना नुकसान ना होता। मगर उससे बड़ा सवाल, आखिर वो 300 किलोग्राम आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे? और उसके बाद दोस्तों, एक साथ 2500 जवानों को क्यों भेजा जा रहा था? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आसान टारगेट हो सकते थे? सवाल नंबर 8, और उस सवाल नंबर 8 का नाता है इस व्यक्ति से, पुलिस कर्मी देवेंद्र सिंह, जिसका किरदार लगातार रहस्यों से भरा हुआ है।
देवेंद्र सिंह नाम का पुलिस कर्मी आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है, उस मुद्दे पर जांच कहां पहुंची, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं, देवेंद्र सिंह का रहस्य क्यों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, देवेंद्र सिंह तीन आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है, वो उन तीन आतंकवादियों को ले जा रहा होता है दिल्ली। जब पकड़ा जाता है तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहता है, साहब बहुत बड़ा खेल है, आप इसमें मत पड़िए। इस देवेंद्र सिंह का रहस्य बहुत गहरा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। कई डिप्लोमैट्स जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं और देवेंद्र सिंह बाकायदा उनके साथ दिखाई देता है। यह वो व्यक्ति है, जब 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था तो इस पर यह आरोप था कि यह एक आतंकवादी को लेकर दिल्ली पहुंचा था। तो इसका किरदार हमेशा रहस्यों में घिरा हुआ है, मैं जानना चाहता हूं आखिर क्यों। इसके बाद देवेंद्र सिंह मामले की जांच से क्यों इनकार किया राज्यपाल मनोज सिन्हा ने, बाकायदा उनका एक लेटर आता है दोस्तों, और उस लेटर में क्या कहा गया होता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द सेम ऑर्डर ऑल्सो सेड दैट सिन्हा वॉज सैटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देवेंद्र सिंह। इसमें मनोज सिन्हा संविधान के क्लॉज 2, आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 का जिक्र करते हैं कि देवेंद्र सिंह को बेशक सर्विस से हटा दिया गया है मगर मामले की जांच ना की जाए। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, बाकायदा इस मुद्दे पर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमला किया था, आखिर क्यों। और इसके बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या अब सभी जवान बख्तर बंद गाड़ियों में जाते हैं, क्या सरकार ने पुलवामा से सबक लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 2-3 साल पहले की बात है जब बाकायदा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था एक गाड़ी का जिसके अंदर जवान बैठे हुए थे और वो ये शिकायत कर रहे थे कि हम जिन गाड़ियों में जा रहे हैं वो सामान्य गाड़ियां हैं और हमारे जो कमांडर हैं उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उस वीडियो का खंडन मोदी सरकार ने नहीं किया था। तो दोस्तों ये थे मेरे 10 सवाल जिनके जवाब मैं चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह दें, क्योंकि इंडिया टुडे या किसी चैनल में हिम्मत नहीं होने वाली। दोस्तों अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और यह बयान देकर कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह फंस गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों उन्होंने क्या क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अमित शाह ने कहा, मेरा सवाल यह है कि जब वो राज्यपाल थे तब उनकी आत्मा क्यों नहीं जागी, इस तरह के बयान की क्या विश्वसनीयता है, इसकी जांच आम जनता और पत्रकार करेंगे। अगर वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है तो वो उस समय चुप क्यों थे। ये सभी चीजें सार्वजनिक मंच पर बहस करने की नहीं होती। मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे हमें छिपाने की जरूरत है। आपने गौर किया होगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री ने अपने इस बयान में कहीं पर भी सत्यपाल मलिक के दावों को खारिज नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि सार्वजनिक तौर पर या सार्वजनिक मंच पर इसकी बहस नहीं हो सकती, पत्रकार और आम जनता इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, सिर्फ यह कह रहे हैं। मगर उन्होंने यह भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, तो हाथ कंगन को आरसी किया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है, अगले ही दिन 15 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया इंटरव्यू, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस इंटरव्यू में क्या कहा था सत्यपाल मलिक ने। इंडियन एक्सप्रेस का ये इंटरव्यू, पुलवामा अटैक इंटेलिजेंस फेलियर वी आर एट फॉल्ट आल्सो, इसका हिंदी अनुवाद यह है पुलवामा हमला ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारी भी गलती थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या अंग्रेजी में, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। इसमें सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, जम्मू एंड कश्मीर राज्यपाल सत्यपाल मलिक सेड दैट थर्सडेज पुलवामा अटैक वॉज पार्टली द रिजल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंस फेलियर स्पेशली ड्यू टू द फैक्ट दैट सिक्योरिटी फोर्सेज कुड नॉट डिटेक्ट द लोडिंग एंड मूवमेंट ऑफ द एक्सप्लोजिव लेडन स्कॉर्पियो। यहां पर क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है एक दिन पहले वो एक इंटेलिजेंस फेलियर था, गुप्तचरी के स्तर पर एक नाकामी थी,
क्योंकि सुरक्षा बल ये पता नहीं कर पाए कि स्कॉर्पियो में इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स लादकर आखिर कोई व्यक्ति वहां क्यों पहुंच गया। और ये इंटरव्यू कब का है दोस्तों? 15 फरवरी का। यानी कि अमित शाह ने जो दावा किया कि सत्यपाल मलिक उस वक्त क्यों चुप थे, पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अब उन्होंने दूसरा दावा क्या किया कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उस वक्त क्यों चुप थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह ने कहा क्या, जो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों सीबीआई ने जो बुलाया है 27 और 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक को, उस पर अमित शाह क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई से मिले समन को लेकर बड़ा बयान दिया है अमित शाह ने। उन्होंने शनिवार को कहा कि जांच की जरूरत के हिसाब से उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई द्वारा दिए गए समन का सत्यपाल मलिक द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आम जनता से छिपाए जाने की जरूरत है। यदि व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुछ टिप्पणियां की जाती हैं तो उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जब वो मेघालय के राज्यपाल थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार वाली बात कही थी आपके स्क्रीन पर। यह खबर, वॉज ऑफर्ड 300 करोड़ ब्राइब टू क्लियर डील्स ऑफ अंबानी एंड आरएसएस लिंक्ड मैन फॉर्मर जेएनके गवर्नर। दोस्तों आपके सामने यह है वायर की खबर और मैं आपको बता दूं यह बयान जो दिया गया है आपके सामने, तारीख यह बयान दिया गया है 22 अक्टूबर 2021 को। उस वक्त वो मेघालय के राज्यपाल थे और उन्होंने तब यह बयान दिया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। और रिश्वत क्यों दी गई थी? क्योंकि उनसे कहा गया था कि आप खामोश रहिए जब वो अनिल अंबानी की रिलायंस के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे। और कांग्रेस के मुताबिक आरएसएस का यह व्यक्ति राम माधव है। इस मुद्दे पर बाकायदा पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मेरे इस कार्यक्रम से साफ हो जाता है कि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक पर बयान तो दिया, देश के गृहमंत्री ने बयान दिया, मगर वो बयान सिवाय गलत बयानी के और कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक पर निशाना साधा जा रहा है। अब 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें बुला लिया है और इससे पहले यह ना भूलें, वो अपने घर पर कई लोगों को बुलाते हैं और वो अपने मकान के साथ में एक पार्क में उनके लिए खाना बनवाते हैं और पुलिस बाकायदा उन्हें रोक लेती है। कई किसान नेता अपनी गिरफ्तारी भी देते हैं, खुद सत्यपाल मलिक पुलिस थाने पहुंच जाते हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें मोदी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये प्रमाणित कर रही हैं कि सत्यपाल मलिक अब इस सरकार के निशाने पर हैं। मगर ये सरकार भूल जाती है कि सत्यपाल मलिक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उसके बाद उन्हें गोवा भेजा जाता है और गोवा से तुरंत उन्हें मेघालय भेज दिया जाता है। बार बार, और ये ना भूलें, सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के अब भी सदस्य हैं और वो लगातार ये बयानात दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका वो बड़ा बयान सामने आया था, आपको याद है, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उनसे कहा था कि मोदी जी 500 किसानों की मौत हो गई है, कुछ कीजिए। तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 500 किसान मेरे लिए थोड़े ना मरे हैं। यानी कि चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे रिलायंस के कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सत्यपाल मलिक ये मुद्दे उठाते रहे हैं। अमित शाह सामने तो आए हैं इंडिया टुडे के इस इंटरव्यू में, मगर बयान देकर वो फंस गए हैं क्योंकि उस बयान में सत्यता या सच्चाई दूर दूर तक नहीं है, जैसा मैंने अभी अभी न्यूज चक्र के इस कार्यक्रम में प्रमाणित किया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।